दोस्तों, ARJ इंडिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ARJ आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ARJ इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन बजट DSLR कैमरा के बारे में, जो कि है कैनन का EOS 200D मॉडल। और इस कैमरे को आप फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं लगभग 40,000 रुपये में, जो कि किट लेंस 18-55 के साथ आपको मिलता है। अगर आपको 18-55 के साथ साथ 55-250 लेंस चाहिए तो आपको पे करने पड़ेंगे 51,500 रुपये। और अगर अमेजोन की प्राइसिंग की बात करूं तो 18-55 आपको मिल जाएगा लगभग 39,000 रुपये के आसपास, और 18-55 और 55-250 लेंस के साथ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लगभग 50,400 रुपये का। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैमरे की क्या खासियतें हैं और साथ ही साथ आपको इसके जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा पैकेज, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। और अगर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। ये रेड कलर के कॉरूगेटेड बॉक्स में आपको मिलता है। ऊपर की तरफ आपको कैनन लिखा हुआ मिल जाएगा और इससे जुड़ी कुछ कंटेंट्स की डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। इस पे ऊपर आप देख सकते हैं कैनन और नीचे EOS 200D। ये जो वेरिएंट है ये 18-55 ISSTM लेंस के साथ है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि IS का मतलब जो है वो इमेज स्टेबलाइजेशन से है, और STM का मतलब है स्ट्रिपर मोटर से। ये स्ट्रिपर मोटर जो होती है आपको जूम इन जूम आउट करने में या ऑटो फोकस करने में किसी भी तरह का कोई शोर नहीं करती। यहाँ पे आपको कुछ प्राइस से जुड़ी डिटेल्स। अगर बैग की बात करें तो बैग जो इसके साथ आता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको बकल्स एंड ऑल सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे एक चेन मिलती है आपको। इंटीरियर काफ़ी अच्छा है इसका, आप देख सकते हैं रेड कलर में आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा है, जिसमें आप कैमरे की जो एक्सेसरीज है वो आसानी से रख पाएंगे। यहाँ पे कुशनिंग का जो इंतज़ाम है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है, जिसमें कैमरे को किसी भी तरह का कोई शॉक नहीं आएगा और साथ ही साथ कैरी करने में आपके लिए आसान होने वाला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कैमरे की। दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है यूज़र मैनुअल। इस पे आपको रिबेल SL2 लिखा हुआ मिल जाएगा, चूँकि ये बहुत सारी कंट्रीज़ में रिबेल SL2 के नाम से भी बिकता है। और अगर जो बात करें वारंटी की, तो कैनन इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी देती है। आपको वारंटी को वैलिडेट करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा अपने प्रोडक्ट को। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके 18-55 किट लेंस की। इसकी जो फोकल लेंथ है f2.8 है, और अगर इसकी डिजिटल जूम की बात करें तो 3x से लेके लगभग 10x तक का आपको डिजिटल जूम मिल जाएगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, जैसा कि ये कैनन ब्रांड से आता है। और यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं, ऑटो फोकस मैनुअल फोकस के लिए और इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चार्जर की। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्जर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और पीछे की तरफ आपको इसकी रेटिंग्स मिल जाएंगी। दोस्तों, इसके साथ जो केबल आती है काफ़ी शॉर्ट आती है, और मुझे हमेशा ही इससे पहले भी कैनन के इसमें मैंने देखा है कि केबल्स काफ़ी शॉर्ट रही हैं। अगर बैटरी की बात करें तो ये बैटरी आपको लगभग 500 से 600 शॉट्स दे सकती है। और इसका जो मॉडल नंबर है वो आपको पीछे की तरफ मैं दिखा देता हूँ। आप स्पेयर बैटरी जब भी खरीदना चाहें तो LPE17 बोल के आप ले सकते हैं। इसका जो स्ट्रैप आता है वो काफ़ी प्रीमियम है और आपको बहुत ही अच्छी हैंडी फील कराने वाला है। दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने कैमरे की। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम है, हालांकि ये प्लास्टिक का बना है लेकिन ये प्लास्टिक जैसी फीलिंग आपको नहीं देता है। ये चारों तरफ से अगर आप इसे देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत है। और इसकी जो वेट है वो लगभग 453 ग्राम बैटरी के साथ है और 406 ग्राम बिना बैटरी के है। नीचे की तरफ आपको SD कार्ड और बैटरी के लिए स्लॉट मिल जाता है। मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है अगर आप ट्राईपॉड पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ट्राईपॉड पे इस्तेमाल करते वक्त आप बैटरी और SD कार्ड को नहीं निकाल पाएंगे, आपको इसे अनमाउंट करना होगा।
दोस्तों अगर इसकी इफेक्टिव पिक्सल्स की बात करें तो ये 24.2 मेगापिक्सल्स आपको देता है और इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो सीमोस सेंसर लगा हुआ है। इसका जो प्रोसेसर है वो कैनन का लेटेस्ट डिजिक 7 प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको HDMI और पावर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर लेफ्ट की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो DSLR में आजकल बहुत ही कम कैमरे ऐसे हैं जो आपको एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन देते हैं। ये उनमें से एक है जो आपको एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन देता है। दोस्तों अगर जो बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की तो ये वाईफाई और NFC के साथ आपको मिलता है और अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर के साइज़ की तो ये 22.3x14.9mm का है जो कि आपको बहुत ही अच्छा साइज़ है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के रेजोल्यूशन की बात करें तो लगभग 6000x4000 का आपको वीडियो रेजोल्यूशन मिलता है और ये बिल्ट इन फ्लैश के साथ है। ये जो TFT है इसकी, ये आपको 3 इंच की टच TFT है और इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको इन द बॉक्स 16 GB की ही SD कार्ड मिलती है और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आज के टाइम में अगर आप 30 FPS पे भी वीडियो शूट करते हैं तो आपको 1 घंटे की वीडियो शूट करने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कैनन इतना महंगा कैमरा दे रही है तो उसको एटलीस्ट 32 या 64 GB तो देना ही चाहिए। मैं इस SD कार्ड को यहाँ लगा के आपको दिखा देता हूँ। अब जो है बैटरी को लगा लेते हैं। दोस्तों 32 GB तो कम से कम कैनन को देना ही चाहिए, 16 GB बहुत ही कम है आज के हिसाब से। दोस्तों अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके मेन्यू ऑप्शंस के थ्रू हमें कैसे कैमरे को सेट करना है और साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक सैम्पल पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। कैमरे को हमने ऑन कर लिया है, अभी ये ऑटो मोड में है। ऊपर सेलेक्टर के थ्रू हमें मोड्स को चूज़ करना होता है। अब जो है प्रोग्राम मोड में ये आ गया। प्रोग्राम मोड में बेसिकली हम ब्राइटनेस और आपका जो डार्कर है वो डिसाइड करते हैं। अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो इमेज डार्क होती है, आगे की तरफ जाते हैं तो ब्राइट होती है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको बेसिकली शूटिंग करनी कैसे है, सिंगल शूटिंग करनी है, कंटिन्यूस शूट करना है। वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जिस तरह की शूट करनी है उस तरह की शूटिंग आप कर सकते हैं, इवन इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यूटर्न का बटन दिखेगा, आप बैक जा सकते हैं इससे। यहाँ पे फोकस पॉइंट्स आप डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ पे फोकस चाहिए, कितना फोकस चाहिए, या फिर अगर आप चाहें तो कंप्लीट फोकस पॉइंट्स को भी ले सकते हैं। आप बैक चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक करके। बैक हो जाते हैं, प्लस में यहाँ पे आपको फोकस किस तरह से चाहिए, वन शॉट आपको फोकस चाहिए, AI फोकस चाहिए, या किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। अब जो है हम दूसरे मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि इसका TV मोड है। TV मोड बेसिकली शटर प्रायोरिटी मोड है। यहाँ पे आपको किसी चीज़ को स्मूथ दिखाना है तो आप पीछे की तरफ जाएं और अगर आपको उसको फ्रोजन दिखाना है तो आगे की तरफ जाएं। ये फ्लोइंग के लिए आपको पीछे जाना है और फ्रोजन दिखाने के लिए आपको आगे की तरफ जाना है। बेसिकली ये शटर के लिए खास कर ये ऑप्शन बनाया गया है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सेम वही ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि दूसरे में आपको मिले थे। यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ पे शटर के लिए ऊपर एक स्पेसिफिक दिया हुआ है। अब AV मोड को देख लेते हैं। बेसिकली ये अपर्चर प्रायोरिटी मोड है। इसमें आपको जो है बुके इफ़ेक्ट कितना चाहिए वो चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। यहाँ पे जितना आप कम रखेंगे उतना बुके इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा
और जितना आप ऊपर की तरफ रखेंगे यानी प्लस की तरफ रख जाएंगे उतना बुके और ब्लर इफेक्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी के ऑप्शन सेम मिलते हैं आपको नीचे की तरफ। अब मैनुअल मोड में हम आ गए हैं, यहाँ पे हम हर चीज़ को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हम बल्ब जो है एडजस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको अपर्चर भी एडजस्ट करने के लिए नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा और साथ ही साथ ISO भी आप नीचे से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैनुअल मोड जो है जनरली लोग सोचते हैं कि ऑपरेट करना बहुत टफ है, बट अगर आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, लाइटनिंग की थोड़ी सी समझ है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। इसमें ISO आपका सही होना चाहिए, अपर्चर आपको पता ही है। अब देख लेते हैं क्रिएटिव फिल्टर। क्रिएटिव फिल्टर्स में आपको अलग अलग तरह के फिल्टर मिलते हैं कि आपको ग्रेनी पिक्चर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर चाहिए। उसमें जो है आपको और भी बहुत सारे इसमें फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। इसमें आपको सॉफ्ट फोकस के लिए बहुत सारे फेस आई फिल्टर, इसमें नीचे की तरफ आप जाएंगे बहुत सारे फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट को, जो कि है स्क्रीन मोड। ये आप देख रहे हैं स्पेशल सीन के लिए है। सीन मोड में आप बेसिकली जो है पोर्ट्रेट, उसके बाद आपका ग्रुप फोटोज़ और इसमें जो है लैंडस्केप, आप जो भी डिसाइड करते हैं उस हिसाब से कैमरा सेटिंग्स आपको दे देता है और आप उसमें फिर सेटिंग्स कर पाएंगे। इसमें देखिए आप कलर टोन किस तरह से रखना चाहते हैं, कलर टोन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है ये क्रिएटिव ऑटो है। यहाँ पे जो है आप फोकस, जो भी चीज़ फोकस करते हैं, जो भी चीज़ क्लिक करते हैं, उसको आपका एम्बियंस जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए विविड एम स्टैंडर्ड सॉफ्ट वॉर्म, ये सारी चीज़ें जो है वो आप डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पे कितना डार्क रखना है, कितना ब्राइट रखना है, आप सारे कंट्रोल्स जो है क्रिएटिव ऑटो में कर पाएंगे। आपको ब्लर कितना रखना है, आपको ज़्यादा रखना है तो पीछे की तरफ आइए, शार्प रखना है तो आगे की तरफ जाइए। ये चीज़ें बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप अपने मन मुताबिक फ़ोटो ले पाएंगे। दोस्तों ये जो मोड है ये बेसिकली फ्लैश इसके अंदर ऑफ हो जाता है, फ्लैश ट्रिगर नहीं होगा। आप बाकी की जो सेटिंग्स हैं वो रिमेन वैसे ही रहने वाली हैं जैसे कि ऑटो में रहती हैं, सिर्फ फ्लैश ट्रिगर नहीं होगा। अब मैंने इसे ऑटो में ले लिया है, ये सीन इंटेलिजेंट ऑटो में। और ये कुछ एक पिक्चर्स हैं जो मैंने क्लिक किए हैं, आप इसे देखिए। ये 200D से ली गई पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। और आप खुद डिसाइड करें कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। हालांकि ये आउटडोर शूट्स हैं ज़्यादातर, इसमें मैंने कुछ स्वीट्स की भी फ़ोटोज़ ली हैं, मैं आपको आने वाले इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स मैंने आपको इस कैमरे के बारे में दी है। हालांकि ये और भी बहुत कुछ इसमें बात किया जा सकता था, वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं चाहता नहीं था कि वीडियो इतनी लंबी हो,
बट मैं साथ ही साथ कुछ छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं। तो इस कैमरे से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप और भी ज़्यादा चाहते हैं तो इसकी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के ही लिंक्स मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप बाई करना चाहें तो बाई भी कर सकते हैं, और सिर्फ अगर डिटेल भी देखना चाहें तो डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आपका दिन शुभ हो।